हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूँ। एक छोटी सी वीडियो है, जरा देखिएगा वीडियो क्या है। यहाँ पर आपको रोल नंबर दिखाई पड़ रहा होगा और यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैंने ड्रॉप डाउन बनाया हुआ है, ये आपका ड्रॉप डाउन है और यहाँ पर मार्क्स चाहिए हमें। तो हम एक फंक्शन का यूज करेंगे जल्दी से मार्क्स को लेके आने के लिए। उस फंक्शन का नाम है रैंड बिटवीन। तो यहाँ पे रैंड बिटवीन का यूज कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया रैंड बिटवीन और यहाँ पर जाकर के टैब बटन हमें प्रेस करना है। जैसे ही प्रेस करेंगे ये इस तरीके से ओपन होगा और यहाँ पे जो है सबसे कम वाला मार्क्स आपको देना है बॉटम में और सबसे ज्यादा वाला यहाँ पे दे देना है। यानी आउट ऑफ 100 सबसे कम मार्क्स रहा 6 और आउट ऑफ 100 सबसे ज्यादा मार्क्स रहा 90। बंद करके ब्रैकेट को एंटर करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये तमाम जो नंबर्स है वो आते चले जाएंगे। ये अलग अलग होंगे, ये रैंडम नंबर्स हैं, तो ऐसे ड्रैग कराएंगे तो ये सब आते चले जाएंगे और यहाँ से आप इसको नीचे लेके चले जाएंगे तो सब आ जाएंगे। लेकिन इसके साथ एक दिक्कत है, जब भी आप फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे ना, कोई भी फंक्शन इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, तो जरा देखिएगा यहाँ पे 54 लिखा हुआ है। सब्जेक्ट वन में प्रियांशु का मार्क्स है 54, लेकिन ये चेंज हो जाएगा बार बार। तो अगर मैं इसको सम करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे सम का फंक्शन का यूज किया और जैसे ही हम इसको इस तरीके से करते हैं और बंद करते हैं और एंटर जैसे ही करेंगे ना, तो ये ऑटोमेटिक बदल जाएगा। तो हम चाहते हैं कि ये बदले ना, तो इसके लिए हम पेस्ट स्पेशल का यूज करेंगे। तो यहाँ पर इसको पूरे को सेलेक्ट करेंगे जहां जहां ये रैंडम मार्क्स जनरेट हुए हैं, राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे और पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन हाईलाइट हो जाए तो इससे वैल्यू बना देंगे। बस इतना ही काम करना है। अब यहां से ड्रैग करते हुए या डबल क्लिक करके यहाँ पे सबका नंबर लेके आ जाएंगे। इसी तरीके से आप एवरेज भी कैलकुलेट करेंगे, तो एवरेज का भी फंक्शन होता है। तो यहाँ पे ए भी आर ए जी एवरेज लगा लीजिए और यहां से जाकर के इस तरीके से ये सबको सेलेक्ट करके बंद करके एंटर कर दीजिए तो ये एवरेज भी आ जाता है। और परसेंटेज मैनुअल तरीके से हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। पहले डबल क्लिक कर लेते हैं फिर यहां पर आते हैं, तो इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे और यहां पर टोटल को सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और 100 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे। कितने से डिवाइड करेंगे, तो देखिए कुल मिला के सब्जेक्ट हमारे पास 5 ही है, तो 500 से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये देखिए सेम आएगा परसेंटेज और एवरेज, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे ग्रेड, तो इफ फंक्शन से हम ग्रेड कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर एवरेज को ही हम ले लेते हैं। तो एवरेज जो है J2 में है, J2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, पहले करेंगे 85 और सबसे बड़ा ग्रेड हम रखेंगे S, तो यहाँ पे S ग्रेड, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ पे इफ का फंक्शन लगाएंगे और फिर इसी को सेलेक्ट करके इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इस बार 75, तो इस बार डबल कॉमा में A ग्रेड दे देते हैं, फिर कॉमा लगाएंगे, इफ का फंक्शन लगाएंगे, फिर यहाँ पर इसी को सेलेक्ट करेंगे यानी एवरेज को, पहला वाला इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इस बार 65, तो ऐसे में कौन सा ग्रेड आएगा, तो बी ग्रेड आएगा, तो यहाँ बी ग्रेड दे दिया। फिर यहाँ इफ लगाया, ब्रैकेट को ओपन किया, फिर यहाँ पर इसी को सेलेक्ट करेंगे इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ 55 करेंगे तो 55 पे कौन सा ग्रेड आएगा, सी ग्रेड आएगा, और फिर इसको बंद करके कॉमा लगा करके फिर इफ का फंक्शन यूज करेंगे। तो यहाँ पर इसको जब सेलेक्ट करेंगे ना, तो इज ग्रेटर देन इक्वल टू और अब किसके, तो यहाँ 50 करेंगे और ऐसे में आएगा क्या, डी ग्रेड, तो ये डी हो गया और डबल कॉमा क्लोज करके कॉमा लगा करके और लास्ट में फेल्ड कर देंगे। यानी दो कंडीशन लास्ट में दी जाती है इफ में, ठीक है, ये लास्ट वाला इफ है, इसके बाद हमें कोई इफ यूज नहीं करना है। बाकी जितने ब्रैकेट ओपन हुए थे उतने क्लोज करके एंटर कर दीजिएगा, तो अगर 50 से कम रहा तो ये फेल हो जाएंगे। तो देखते हैं कितने लोग पास हुए, तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 ही लोग पास हुए हैं, देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना रिजल्ट बना सकते हैं एक्सेल के ऊपर, ठीक है। लेकिन रुकिए, अभी हमें एक्सेस से भी इसे कंपेयर करना है कि एक्सेस में ये कैसे करेंगे। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन कर लेता हूं, तो यहाँ पे ACCESS एक्सेस टाइप करते हैं, तो ये एक्सेस का 2021 है मेरे पास, मैं इसी को ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से ब्लैंक डेटाबेस पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो एक नया सिनेरियो आएगा इस पे, जैसे ही क्लिक करेंगे ब्लैंक डेटाबेस पे तो ये आ गया। अब यहाँ पर आप डेटाबेस का नाम चेंज कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन हम फिलहाल यही रख करके क्रिएट पे क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे व्यू दिखाई पड़ेगा। तो इसमें दो व्यू नजर आएंगे, एक डेटा शीट व्यू है, दूसरा डिजाइन व्यू। तो आपको डिजाइन व्यू पे चले जाना है। यहाँ पर आप अपने टेबल का नाम दे सकते हैं चाहे तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे स्टूडेंट नाम दे देते हैं टेबल का, क्या नाम दे देते हैं, स्टूडेंट, ठीक है, और एंटर कर देते हैं। यहाँ पर देखिए ये प्राइमरी की है, हमेशा ये यूनिक वैल्यू ही लेगा और यही खासियत है डेटाबेस की, ये एक्सेल में आपको नहीं मिलेगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम दे देते हैं रोल नंबर, तो ये हो गया रोल अंडरस्कोर लगा के नंबर लिख दिया। और इसका डेटा टाइप ऑटो नंबर रखा है, आप चाहे तो नंबर भी कर सकते हैं, फिलहाल हमने ऑटो नंबर रख दिया है। और यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट कर देते हैं, तो ये नेम अंडरस्कोर लगा के लिख देते हैं ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट्स,
तो यहां पे नेम ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे और यहां पे हम चाहते हैं कि ड्रॉप डाउन आ जाए जैसे एक्सेल में आ रहा था, तो यहां पर आकर के और डेटा टाइप आपको लुकअप विजार्ड चूज करना है। लुकअप विजार्ड चूज करके यहां पे आई विल टाइप द वैल्यू दैट आई वांट पे जाकर के अब यहां पर आप ड्रॉप डाउन में नाम लिख सकते हैं चाहे। तो जैसे मान लीजिए मैंने पहला नाम लिखा राम, फिर यहां पर आए दूसरा नाम लिखा श्याम, तीसरा नाम लिखा अभिषेक, चौथा नाम लिखा यहां पे रवि, पांचवा नाम लिखा सुमित। तो यहां पर ये यह चार पांच नाम हमने एंटर करवा दिए हैं, ठीक है। और यहां पर ये यह ड्रॉप डाउन बनेगी, यहां पर नेक्स्ट पे जाके, नेक्स्ट पे जाके और यहां से फिनिश कर दीजिएगा, एक ड्रॉप डाउन बन जाएगी। अब यहां पर चार या पांच सब्जेक्ट ले लेते हैं। तो पहला सब्जेक्ट है कंप्यूटर, तो यहां कंप्यूटर लिख दिया। फिर यहां पर आए दूसरा सब्जेक्ट है इंग्लिश, तो यहां इंग्लिश लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया इंग्लिश। और तीसरा सब्जेक्ट है यहां पर आपका मैथ्स, तो यहां पे एम ए टी एच एस मैथ्स हो गया। और चौथा सब्जेक्ट है यहां पर साइंस, एस सी आई ई एन सी ई, तो ये साइंस हो गया। और पांचवा सब्जेक्ट है एस एस टी, तो यहां पे एस एस टी हो गया। और एस एस टी लिखने के बाद यहां पर आ जाएंगे और यहां पे टोटल पे आएंगे, ठीक है। तो यहां टी ओ टी ए एल टोटल हो जाएगा। और टोटल कैलकुलेट हमें करना है, लेकिन इससे भी पहले हम इन सबको नंबर बनाएंगे, यानी जो भी सब्जेक्ट के मार्क्स हैं वो तो नंबर में ही मिलेंगे। तो यहां पर इनको नंबर बना लेना बहुत ज्यादा कंपलसरी है, तो यहां पे जरूर इसे नंबर बना लीजिएगा। तो ये नंबर बना लीजिएगा तो आप आसानी के साथ कैलकुलेट कर पाएंगे, अदरवाइज कैलकुलेट करने में बड़ी दिक्कत होगी, फिर आपको बाद में जाके नंबर बनाना पड़ेगा। और इसको हम लुकअप विजार्ड, ये नीचे दिख रहा है, इसके ठीक ऊपर है कैलकुलेटेड डेटा टाइप, तो ये कैलकुलेटेड डेटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे। और यहां पर अब हमको ऐड करना है सारे नंबर्स के, लेकिन ऐड करें कैसे, तो स्क्वायर ब्रैकेट बना करके। पहला सब्जेक्ट है कंप्यूटर, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखिए कंप्यूटर, प्लस का निशान लगाइए। दूसरा सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश है, तो यहाँ पे ई एन जी एल आई एस एच इंग्लिश लिखिए, प्लस का निशान लगाइए। तीसरा सब्जेक्ट है मैथ्स, तो यहाँ पे एम ए टी एच एस मैथ्स लिखिए, प्लस चौथा सब्जेक्ट है आपका साइंस, तो यहाँ पे साइंस भी लिखिए, एस सी आई ई एन सी ई साइंस हो गया। फिर पांचवा सब्जेक्ट है आपका एस एस टी, तो जैसे लिखा गया है बिल्कुल वैसे ही आप एस एस टी भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए, ये हो गया। और ये करने के बाद आपको क्या करना है, यहां से ओके कर देना है और ओके करके यहां से व्यू पे क्लिक करना है। तो जैसे ही व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये यहां पे सब कुछ आ जाएगा, लेकिन कब आएगा, जबकि आप यहां नेम ऑफ स्टूडेंट यहां से चूज करेंगे। ये देखिए नेम ऑफ स्टूडेंट भी आ रहा है, तो इसको चूज कीजिए। और यहां पे आउट ऑफ 100 जो भी मार्क्स इनको देने हैं वो दे दीजिए, आउट ऑफ 100 79, ठीक है। इंग्लिश में 55 रहा, मैथ्स में 56 रहा, साइंस में 58 रहा और एस एस टी में 67 रहा। तो यहां पे देखिए यहां पर आपको टोटल कैलकुलेट होता हुआ नजर आएगा, लेकिन टोटल के साथ साथ हमें एवरेज भी कैलकुलेट करना है और इसके साथ साथ हमें ग्रेड भी कैलकुलेट करना है। तो ये ग्रेड और एवरेज ये सारा एक साथ कैसे होगा, तो यहाँ पे अभी तो टोटल हमने किया है, तो टोटल के बाद हम एवरेज पे आते हैं। तो ये हो गया एवरेज आपका, और एवरेज कैलकुलेट करते समय भी हमें कैलकुलेटेड ही डेटा टाइप का इस्तेमाल करना है। और कैसे करेंगे, तो टोटल को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि टोटल में हमारा टोटल मार्क्स है, तो यहां पर टोटल को डिवाइड करते हैं किससे, 5 से, क्योंकि कितने सब्जेक्ट है काउंट कीजिए, 2 3 4 5, पांच ही है, तो 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए और यहां से ओके कर दीजिए, ये आ जाएगा एवरेज। और यहां पर अब ग्रेड की बात कर लेते हैं, इसी तरीके से आप ग्रेड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सेम है, बस यहां पर इफ की जगह आई इफ लगाना है। यहां से ओके करते हैं, देखते हैं क्या हुआ, तो यहां पर ये ओके किया, तो यहां पर देख सकते हैं एवरेज भी कैलकुलेट होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो अब हम ग्रेड कैलकुलेट करते हैं, तो यहां से क्रिएट पे जाके, क्रिएट पे ना जाकर के हम सीधा यहीं चलते हैं, इसको यहां पर राइट क्लिक करके डिजाइन व्यू पे ले लेते हैं। और यहां पर ग्रेड, तो जी आर ए डी ई ग्रेड हो गया, और यहां से जाके कैलकुलेटेड डेटा टाइप आपको लेना है तो ये ले लिया। अब यहां पर आई इफ लगाना है आपको, क्या लगाना है, आई इफ, तो आई इफ लगाया, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया, ए बी ई, देखिए एवरेज आ जाएगा, ये इज ग्रेटर देन इक्वल टू 85 करते हैं, कॉमा एस ग्रेड आ जाएगा, ठीक है। फिर कॉमा लगा के आई इफ, फिर यहां पर क्या करेंगे, एवरेज ए बी ई, तो यहां पर एवरेज आ गया इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75 कॉमा ए ग्रेड हो जाएगा, और ए ग्रेड होने के बाद कॉमा लगाइए, फिर आई इफ करिए, आई इफ, और फिर वही एवरेज ए बी ई आर ए जी ई, तो ये हो गया एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इस बार क्या करेंगे 65 कर देंगे, तो 65 कॉमा ऐसे में कौन सा ग्रेड आएगा, बी ग्रेड आ जाएगा। फिर यहाँ कॉमा लगाइए, आई इफ लगाइए, ब्रैकेट को ओपन कीजिए, ब्रैकेट को ओपन करने के बाद एवरेज ए बी ई आर ए जी ई एवरेज आ गया, और एवरेज जैसे ही आएगा तो एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 55 करिए, तो ऐसे में कौन सा ग्रेड आएगा, सी ग्रेड आएगा, तो ये सी ग्रेड देके कॉमा लगाइए, आई एफ लगाइए, ब्रैकेट को ओपन कीजिए, और ओपन करने के बाद यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बना के और ए बी ई आर ए जी एवरेज लगाइए और इज ग्रेटर देन इक्वल टू। अब 55 तक हम आ चुके हैं, अब हमें क्या करना है, 50 देना है यहाँ पे,
कॉमा लगा करके डबल डॉट कॉमा में डिग्रेड और अदरवाइज लास्ट वाला विकल्प है, यहां कैपिटल डी करते हैं, ये कैपिटल में डी कर देते हैं, ये कैपिटल डी हो गया, ये हो गया डिग्रेड, ठीक है। तो डबल डॉट कॉमा और लास्ट में कौन सा ग्रेड आएगा, तो यहां पर लास्ट में आएगा एफ ए आई एल ई डी फेल्ड, ठीक है। अब इसको बंद करेंगे, एक दो तीन चार पांच, पांच इफ, तो इसे पांच ब्रैकेट क्लोज करके और यहां से व्यू पे क्लिक कर दीजिएगा, तो देखिएगा कि यहां पर ग्रेड भी कैलकुलेट हो रहा है, तो यहां पे सी ग्रेड आ रहा है। तो अगर मैं यहां से कुछ और चूज करता हूं, श्याम का चूज करता हूं, यहां मार्क्स कुछ और दे देता हूं, लाइक यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा, ये हो गया यहां पर एक मिनट, ये देखिए तो मार्क्स के हिसाब से यहां पे ए ग्रेड आ रहा है, देख सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको करना है, पूरी की पूरी वीडियो प्रैक्टिकल बेस्ड है। अगर आप क्लास 8 में 7th में आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पढ़ते हैं या 9th में ओपन ऑफिस बेस्ड डेटाबेस पढ़ते हैं तो इस वीडियो से आपका काम काफी आसान हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।